क्लासेज में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अपने डेली करंट अफेयर्स के हिसाब से क्लास चल रही है और सितंबर माह के हिसाब से जो अपना वीडियो चल रहा है इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 2 की। चंद्रयान वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और चंद्रयान जो इसरो वैज्ञानिक है जिनका योगदान रहा है उससे संबंधित अपन बात करेंगे। चंद्रयान 2 से पहले मैं लेता हूँ आपका चंद्रयान प्रथम। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान 2 में आपको तुलना करके दोनों का बिल्कुल चलना है इनसे, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा चंद्रयान जो कोई सा भी हो एग्जाम उसके लिए हमेशा जीवन में याद रखना फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट अभियान होता है जो प्रथम अभियान होता है हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले याद रखना चंद्रयान प्रथम जो है कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2008 में और ये लॉन्च किया गया है चंद्रयान 2 जिसको आप विशेष रूप से लगभग परिचित हो, जुलाई से लेकर सितंबर माह तक सब में ये चर्चा में रहा है। इसको लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। ये तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है विशेष रूप से चंद्रयान जो प्रथम है इसमें जो यान का नाम है ये विशेष रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी जो यान का नाम है देखो तो यान होता है जिससे क्या है, जिससे बिल्कुल चंद्रयान मिशन फर्स्ट कामयाब हुआ और चंद्रयान सेकंड कामयाब हुआ। तो इसमें देखो ये PSLV C11 क्या नाम है, PSLV C11 और इसमें क्या नाम है GSLV और यहाँ पर क्या है Mark 3 और इसको क्या नाम दिया गया बाहुबली, क्या नाम दिया गया है बाहुबली। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है चंद्रयान प्रथम में क्या PSLV C2 और GSLV Mark 3 क्या नाम दिया गया बाहुबली। और देखो जो चंद्रयान प्रथम है इसमें जो लागत कुछ खर्चा आया था भारत का वह था 386 करोड़ रुपए। कितना खर्चा आया था विशेष रूप से आपको याद हो तो 386 करोड़ रुपए और इसमें जो कुल खर्चा है इसमें 978 करोड़ रुपए और ये भारत का सबसे सुस्ता सुंदर और विश्व में किसी भी देश का इतने कम पैसों में चंद्रयान 2 सफल हुआ नहीं है, केवल मात्र किसका हुआ है भारत का हुआ है। तो चंद्रयान प्रथम में खर्चा कितना था 386 करोड़ और सेकंड में कितना है 978 करोड़। जो चंद्रयान प्रथम है इस समय इसरो, इसरो से संबंधित अभी आगे चर्चा करेंगे, जो इसरो के अध्यक्ष थे उनका नाम है G. Madhavan Nair, क्या नाम है G. Madhavan Nair जो काफी इंपोर्टेंट है G. Madhavan Nair। और चंद्रयान सेकंड के समय जो इसरो के अध्यक्ष है वो आप सब जानते हो K. Vidu Sivan, क्या नाम है K. Vidu यानी कि K. Sivan जो वर्तमान में काफी चर्चा में चल रहे हैं K. Vidu Sivan। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके लिए हो सकता है और इनसे संबंधित जुड़ी हुई आपको जानकारी होना चाहिए। जो चंद्रयान 2 है इसमें 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स है और इनको लेकर ही पूरा चंद्रयान मिशन क्या हुआ है जुड़ा हुआ है लगा हुआ है, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ऑर्बिटर, ऑर्बिटर का। सेकंड आपने नाम सुना होगा रोवर का। थर्ड आपने नाम सुना होगा लैंडर का। देखो जो रोवर है इस कैमरे की भूमिका निभाता है और जो ऑर्बिटर है रोवर है लैंडर है। रोवर का नाम दिया गया है प्रज्ञान के द्वारा, प्रज्ञान जो संस्कृत की प्र धातु से बना है और लैंडर का नाम दिया गया है विक्रम। जो ऑर्बिटर है ऑर्बिटर का अगर कुल वेट की बात की जाए, किसकी वेट, जो वेट होता है जैसे लैंडर है रोवर है ऑर्बिटर है, तो यही चंद्रयान 2 में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है विशेष रूप से ये आपको ध्यान रखना है। और जो ऑर्बिटर का कुल वेट है 292379 किलोग्राम और जो लैंडर है लैंडर का जो कुल वेट है 1471 किलोग्राम। ये दोनों का आपको विशेष याद होना चाहिए। रोवर से आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे आपको याद हो कि नहीं हो, लेकिन ऑर्बिटर जो चंद्रयान मिशन 2 में इम्पोर्टेंट है उसका वेट टोटल कितना है 2379 केजी और जो लैंडर विक्रम साराभाई के नाम पे जो नाम रखा गया है 1771 केजी इसका क्या है वर्तमान में कुल वेट ऐसा माना गया है। तो ऑर्बिटर रोवर और लैंडर, तो लैंडर है जो देखो लैंडर भारत का जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर जो दिया गया है
लैंडर संपूर्ण विश्व में ऐसा फैला हो गया है चंद्रयान टू के 10 दक्षिणी ध्रुव। देखो पृथ्वी पे दो ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला किसी भी देश का पहला यान, लैंडिंग करने वाला दक्षिणी ध्रुव पर पहला यान, और वो क्या हो गया है, पहला संपूर्ण विश्व में किसका स्थान हो गया है, भारत का। यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला, दक्षिणी ध्रुव पे यान पहुंचाने वाला संपूर्ण पूरे वर्ल्ड का पहला देश कौन सा हो गया है, भारत हो गया है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। जबकि चंद्रयान टू जो छोड़ा गया है, और चंद्रयान टू जो गतिमान किया गया है, जो 22 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक जो चर्चा में रहा, टोटल जो दिन होते हैं वो दिनों की संख्या भी आपको याद रखनी है, 47 दिन जो 22 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक ये काफी चर्चा में रहा चंद्रयान टू मिशन। और जबकि ये मिशन, इस मिशन को कायम करने वाला भारत छोटा देश है, भारत से पहले कौन कौन से देशों ने किया है ऐसा कारनामा, आप फर्स्ट नंबर पे आपको मालूम है, पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है नासा एजेंसी का, जो विशेष रूप से आप परिचित होंगे। तो पहला स्थान किसका है, अमेरिका के साइंटिस्टों का। सेकेंड स्थान किसका है, रूस के साइंटिस्टों का। थर्ड स्थान किसका है, चीन के साइंटिस्टों का। और इसमें ऐसा करने वाला भारत को कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान। लेकिन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे कम खर्चे में। देखो पैसों की जहां पर बात आती है, इकोनॉमिक्स रूप से जहां पर बात आती है, भारत के साइंटिस्टों ने ऐसा काम किया है मात्र 978 करोड़ रुपए में। 978 करोड़ रुपए में इस टोटल मिशन को जो कामयाबी दी है, जो सफलता के चरम पे पहुंचाया। और दक्षिण इसमें सबसे बड़ा जो निकल के आता है आपके पृथ्वी से दक्षिण ध्रुव, अभी अगला नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, तो ये जो सबसे बड़ी कामयाबी है, देखो इसमें देश की जो इकोनॉमी के रूप से जो वर्तमान में काफी गड़बड़ा रहा है मामला, तो उसके साइंटिस्टों की वास्तव में जितनी ज्यादा उनकी क्या की जाए, प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा पूरे वर्ल्ड में सबसे कम खर्चे में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके उन्होंने दी है। और साइंस टेक्नोलॉजी वर्तमान में क्या जाता है, प्रत्येक चीज साइंस टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो रही है, ये तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो चंद्रयान प्रथम अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया, और यान का नाम क्या था, PSLV C11 है, 11 का नाम विशेष रूप से आप ध्यान रखना, PSLV नामक यान है, और इसका क्या है, C11। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे चंद्रयान प्रथम के समय, जी माधवन नायर, क्या नाम था उनका, चंद्रयान प्रथम समय अक्टूबर 2008 में जो इसके इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर, काफी इम्पोर्टेंट है। और इसका कुल खर्चा कितना था, 386 करोड़ रुपए। चंद्रयान टू के कब छोड़ा गया, 22 जुलाई 2019 को, पहले कब छोड़ा जाना था, 15 जुलाई 2019 को। और वर्तमान में चंद्रयान मिशन टू के तहत इसरो के वैज्ञानिक यानी कि इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है, कैलाश वीडू सीवन, और इसमें यान का क्या नाम था, GSLV Mark 3। और बाहुबली विशेष रूप से ध्यान रखना, GSLV Mark 3 और बाहुबली विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। चंद्रयान टू में तीन जो इंपॉर्टेंट चीज है उनका क्या है रोल, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। ऑर्बिटर का कुल वेट कितना है, 2379 kg। रोवर है जो प्रज्ञान नाम दिया गया, लैंडर विक्रम है, लैंडर का कुल वेट कितना, 1471 kg। और ऐसा करने वाला विश्व का छोटा देश कौन सा हो गया चंद्रयान टू से संबंधित, भारत। नंबर एक पे कौन सा है, अमेरिका। नंबर दो पे कौन है, रूस। नंबर तीन पे कौन है, चीन। नंबर चार पे कौन हो गया है, भारत। लेकिन दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला संपूर्ण विश्व का पहला देश कौन सा हो गया है, भारत हो गया है। ये विशेष रूप से आपको चंद्रयान प्रथम और टू में दोनों में कुछ समानताएं थी जो विशेष रूप से याद रखना। और जो चंद्रयान प्रथम है उस समय देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी इसमें काफी योगदान रहा है। और चंद्रयान प्रथम जो 2008 में छोड़ा गया है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अंतरिक्ष विभाग, जो अंतरिक्ष विभाग है, जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए कार्यक्रम है, जिनके मंत्री है, सब कौन थे। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान टू। तो चंद्रयान प्रथम के समय जो अंतरिक्ष विभाग था, जो अंतरिक्ष मंत्री थे, उनका नाम क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वर्तमान में जिनके पास इस समय क्या थे, PM भी थे। वर्तमान में जिनके पास अंतरिक्ष विभाग है उनका नाम क्या है, श्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भारत के क्या है, प्रधानमंत्री भी है। आपसे एग्जाम में सपोज करो
कल्पना करो आपके ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में अंतरिक्ष विभाग, स्पेस मिनिस्टर या अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मंत्री कौन है या अंतरिक्ष विभाग का मंत्रालय किसके पास है। तो वर्तमान में चंद्रयान 2 जो है उससे संबंधित अंतरिक्ष विभाग का मंत्री या कार्यभार या विभाग किसके पास है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। इसलिए इसरो के साइंटिस्टों का हौसला अफजाई करना, उनका धैर्य नहीं टूटने देना और को इस उनके लास्ट टाइम पे जो देखो व्यक्ति को जो सहायता की आवश्यकता होती है, जहां पर व्यक्ति की हिम्मत टूटती है वहीं पर व्यक्ति को साहस और धैर्य की जरूरत होती है, उसी टाइम व्यक्ति का ढांढस बनाना, व्यक्ति का साथ देना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसा किसने किया है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया है, क्योंकि एक तो देश के प्रधानमंत्री और अंतरिक्ष विभाग कार्यालय उनके पास स्थित है। इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि 38 यानी कि 384,400 किलोमीटर की जो दूरी है, कहां से लेकर, चंद्रमा से लेकर पृथ्वी तक, चंद्रमा से लेकर जो पृथ्वी की कुल दूरी है 384,400 किलोमीटर, ये जो दूरी है ये दूरी लैंडर विक्रम के द्वारा ठीक तय की गई है। और इस दूरी को तय करने में यानी कि 384,400 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है, 7 सितंबर को केवल मात्र लैंडर का जो भारतीय साइंटिस्टों से संपर्क टूट गया, इतनी सी दूरी, कितनी, 2.1 किलोमीटर की दूरी बच गई थी, नहीं तो बिल्कुल सारा बिल्कुल चंद्रयान 2 से संबंधित प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल स्पष्ट चल रहा था। लेकिन लैंडर विक्रम का उसमें जो भी सिस्टम सेटिंग किया गया था, जैसे आपका मोबाइल है, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, आपका मोबाइल है और आप कल्पना करो, सपोज करो किसी आपको पार्टी या फंक्शन मेरी शादी में जाना है और आप जो मोबाइल चार्जिंग करते हो उसका जो आपके पास चार्जर है वो घर पे रह गया और उस चार्जर की अन्य जगह और व्यवस्था नहीं है, आपके मोबाइल में और कोई चार्जर नहीं लगता और आपकी जो मोबाइल की जो बैटरी चार्जिंग होगी उसके लिए आपका घर वाला मोबाइल का चार्जिंग ही अवेलेबल है, उससे सब कुछ हो सकता है। तो जो लैंडर विक्रम है इसमें जो बैटरी की व्यवस्था की गई थी, जो चार्जर की व्यवस्था की थी, जो ईंधन की इसमें ईंधन था, जो ईंधन था विशेष रूप से आपको याद रखना UDMH, ये UDMH है जो है, इसमें देखो जैसे आपके मिथाइल गैस है, मिथाइल, इसके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन इथाइन गैस है, ऐसे गैसों का इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। तो जो लैंडर विक्रम है उसमें ईंधन समाप्त हो गया था लास्ट टाइम में और उसकी बिल्कुल शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा, तो 2.1 किलोमीटर की दूरी से मात्र वह इतिहास रचने में चूक गया। लेकिन फिर भी लैंडर विक्रम पाया गया और जो भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक यानी अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी के जनक है, साइंस के जो साइंस टेक्नोलॉजी के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके नाम पर लैंडर का नाम क्या रखा गया, विक्रम रखा गया। लेकिन 2.1 किलोमीटर की दूर से चूक गया, इसलिए फिर भी भारत ने इतिहास रखा है, रचा है और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पूरे वर्ल्ड का क्या हो गया, पहला देश हो गया है। तो एक कुछ चंद्रयान 2 से जुड़े हुए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये इनको लेकर आप किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और विशेष रूप से इनको अंतरिक्ष विभाग वर्तमान में किसके पास है ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो 17वीं लोकसभा है पूरा लोकसभा से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ, आपके स्पेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पूरे वर्ल्ड में जो डंका बजता है उसकी सबसे पहले बात करते हैं नासा और नासा के बाद बात करेंगे अपन इसरो, दो इफेक्ट है आपके सामने और इसको लेकर आपको किसी भी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में DRDO का एग्जाम सामने है और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनको लेकर चर्चाएं होनी है। देखो N से बनेगा नेशनल, A से बनेगा एरोनॉटिक्स, S से बनेगा स्पेस यानी वही अंतरिक्ष, और A से जो बनेगा काफी इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये जो इंग्लिश है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन जो इंग्लिश है उसका ट्रांसलेशन है, यानी कि सब जो इंग्लिश में आपने जैसे सुना होगा प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल यानी एक तो सिद्धांत भी होता है और एक प्रिंसिपल यानी कि कुछ जो कॉलेज लेक्चरर में प्रिंसिपल या स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं उसको भी बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में अलग अलग आपको अर्थ मिलेंगे। नासा कहाँ के एजेंसी है? नासा अमेरिका के एजेंसी है। और नासा की स्थापना कब हुई है ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, 29 जुलाई 1958 को, 58 को नासा की स्थापना हुई है। जबकि जो भारतीय इसरो है, इसे की इसरो की स्थापना कब हुई है ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जो इसरो है, इसरो की स्थापना की गई है 15 अगस्त 1969 को, कब की गई है? 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। और इसरो से जुड़ा हुआ जो आपको फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस, स्पेस यानी वही अंतरिक्ष, रिसर्च, रिसर्च यानी अनुसंधान, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान व संगठन इधर होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान अंतरिक्ष प्रबंधन, यानी कि जो पूरा नासा है इसका नाम पूरे वर्ल्ड में चलता है। नासा की स्थापना कब की गई है? नासा की स्थापना की गई है 29 जुलाई 1958 को, और इसरो की स्थापना की गई है 15 अगस्त 1969 को, 1969 में। और जो नासा है, नासा का जो वर्तमान में मुख्यालय है, कार्यालय है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, कार्यालय है। और ऐसे ही जो इसरो है, इसरो का जो मुख्यालय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इसरो का मुख्यालय वर्तमान में जहां से मेन हेडक्वार्टर है वह बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? बेंगलोर, जो सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। जबकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये वर्तमान में श्री हरिपुरा कोटा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ये इसका क्या है? बंदरगाह का मुख्यालय। और यहीं से क्या किया गया? यहीं से बिल्कुल आपका जो चंद्रयान टू है इसको लॉन्च किया गया है और इसको छोड़ा गया है। तो ये भी विशेष रूप से सबसे बड़ा इफेक्ट है कि चंद्रयान टू भारत के कहां से छोड़ा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिपुर कोटा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से। कब छोड़ा गया? 22 जुलाई 2019 को। तो ये विशेष रूप से इससे जुड़े हुए इफेक्ट है जो आपको याद रखने हैं। और वर्तमान में रॉकेट मैन इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आपके जो इसरो के अध्यक्ष है कैलाश विडु सिवन जो है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में क्या है? इसरो के अध्यक्ष है। और जो इसरो के अध्यक्ष है कैलाश विडु सिवन, इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य है, जहां पर भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सीवी रमन और कैलाश विडु सिवन, तीन प्रसिद्ध साइंटिस्टों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और अब भी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस टीचर्स डे निकला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध भी कहां से है? तमिलनाडु से। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना, इनके फुल फॉर्म और इनकी स्थापना किसी भी एग्जाम के लिए काफी आपकी मदद करेगी। एन बराबर नेशनल, एरोनॉटिक्स, एस बराबर स्पेस, ए बराबर एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 29 जुलाई 1958, नासा कहां पर? अमेरिका में, मुख्यालय कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। और 15 अगस्त 1969 को इसरो, आई बराबर इंडियन, एस बराबर स्पेस, आर बराबर रिसर्च, और बराबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर? बेंगलोर कर्नाटक में। और इसका बंदरगाह का मुख्यालय कहां पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिपुरा कोटा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और रॉकेट मैन के नाम से किसी जाना जाता है? कैलाश विडु सिवन, जिनका संबंध किस राज्य से है? जिनका संबंध वर्तमान में दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु राज्य से है। तो इसरो और नासा को लेकर नासा का पूरा डंका पूरे वर्ल्ड में बजता है। नासा के साइंटिस्टों के द्वारा किए गए प्रयोग पूरे वर्ल्ड में मान्य होते हैं। और सबसे अगर यदि अंतरिक्ष स्पेस से संबंधित किसी ने उन्नति की है, सबसे ज्यादा किसी का नाम चलता है नासा के साइंटिस्ट। इसलिए नासा को भी आपको याद होना जरूरी है कि नासा का मुख्य स्थापना और मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर क्या स्थित है। तो ये विशेष रूप से आपको इनसे जुड़ा हुआ, चंद्रयान मिशन 2 से जुड़ा हुआ कुछ इंपोर्टेंट तथ्य थे। इसमें जो वर्तमान में भी काफी ज्यादा मिशन चल रहे हैं उनसे संबंधित जो भी किसको करने हैं, भारत सरकार के द्वारा तय करने हैं, उनसे संबंधित बात करते हैं।
आपने सुना होगा एक गगनयान, गगनयान मिशन जो मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, गगनयान मिशन जो भारत सरकार को छोड़ा जाना है। दूसरा है सुक्रियान मिशन जो शुक्र ग्रह पर, सुक्रियान मिशन। और तीसरा है जो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके, आदित्य मिशन, आदित्य मिशन। ये तीन मिशन काफी इम्पोर्टेंट है जो भारत सरकार के द्वारा किए जाने हैं, छोड़े जाने हैं। और जो ये आदित्य मिशन है ये 2020 में, 2020 में छोड़ा जाना है, ये भी सूर्य से संबंधित है। जो सुक्रियान मिशन है ये 2023 तक भारत के द्वारा साइंटिस्ट, इसरो के वैज्ञानिक के द्वारा किया जाना है। और जो विशेष रूप से गगनयान मिशन है जो काफी इम्पोर्टेंट है, ये 2022 में रूस के साइंटिस्टों के द्वारा, यहाँ के वैज्ञानिकों से, यहाँ के अंतरिक्ष से मानव युक्त, अंतरिक्ष में मानव युक्त प्रोजेक्ट है। और ऐसा करने वाला भारत गगनयान मिशन को किस देश की सहायता से, रूस देश की सहायता से संपन्न करने जा रहा है। तो गगनयान मिशन 2022, सुक्रियान मिशन 2023 और आदित्य मिशन 2020। जो सुक्रियान मिशन है ये शुक्र ग्रह, जो आप भोर का तारा, सुबह का तारा जिसको आप बोलते हो, भोर यानी प्रातः काल, और शाम का तारा जिसको बोला जाता है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को जो सौंदर्य का देवता बोलते हैं उसी शुक्र ग्रह की बात है। तो शुक्र ग्रह, सुक्रियान कब तक? 2023 तक। अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है, सुक्रियान में अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है, तो ऐसा करने वाला भारत पूरे विश्व का 5वें नंबर का देश हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन है इसमें भी? वही अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है इसमें? रूस है। तीसरे नंबर पे इसमें अपने एशिया महाद्वीप का देश जापान है। और चौथे नंबर का जो है वो है यूरोपीय संघ, जो यूरोप महाद्वीप की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय संघ वो चौथे नंबर का है। और पांचवें नंबर पे किसका हो जाएगा? भारत का। तो जो शुक्रयान है, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह भोर ग्रह, सौंदर्य शुक्र सुबह या शाम का तारा और सौंदर्य का देवता, तो शुक्र ग्रह पर यान ले जाने वाला शुक्रयान अभियान भारत का 2023 का टारगेट बिताया गया है, लक्ष्य बिताया गया है। तो विशेष रूप से ये गगनयान, शुक्रयान, आदित्ययान ये वर्तमान में काफी चर्चा में चल रहे हैं। चंद्रयान और चंद्रयान टू ये आपसे सम्मिलित करने में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनको लेकर आपको विशेष रूप से कंप्लीट रहना है, तैयार रहना है। गगनयान मिशन जो डॉक्टर ललित अंबिका, मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जो गगनयान मिशन से जुड़ी हुई है, और आदित्य जो मिशन है ये 2020 में छोड़ा जाना है। तो इनसे जुड़े हुए आपके कुछ इंपोर्टेंट तथ्य थे जो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, और इनसे लेकर किसी भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सबसे पहले अपन बात करते हैं जिनको अपन को याद करना भी जरूरी है। वर्तमान में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जनक कौन है? देखो क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, और वर्ल्ड के साथ ही किसको कवर कर रहा है? केवल मात्र भारतीय को, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जनक भारत, भारत में किसको माना जाता है? इसका जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है इन्हें क्या माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जनक। और जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है इनका जो जन्म है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इनका जो जन्म है ये जन्म 12 अगस्त 1909 को, 12 अगस्त 1909 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विशेष रूप से आपको तैयार रहना है। कैसा? कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, क्योंकि जो चंद्रयान टू है, जो आपको भी विशेष रूप से याद है, जो छोड़ा गया है, लैंडर का नाम क्या दिया गया? लैंडर और रोवर, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो लैंडर का नाम जो विक्रम साराभाई दिया गया, उनकी अपन बात कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1909 को हुआ है, और कहां पर हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान या प्रौद्योगिकी के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का संबंध किस राज्य से? जैसे वर्तमान में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया इसरो के अध्यक्ष,
का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से। ऐसे इसरो के संस्थापक भी है और इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी है और वर्तमान में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये वर्तमान में मंत्रालय स्थित है। तो ये चंद्रयान मिशन और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई और कुछ सामान्य जानकारी थी जो आपको हमने देने की कोशिश की है। विक्रम साराभाई की पत्नी भी हुई है मृणाली साराभाई, जो भी प्रसिद्ध नृत्यकार विश्व प्रसिद्ध हुई है। और अभी गूगल ने 12 अगस्त को इनके जन्मदिन का 100वां यानी कि 100 साल 100 वर्ष पूरे होने पे डॉक्टर विक्रम साराभाई को गूगल के द्वारा भी पूरे हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड को इनके साइंस के क्षेत्र में जो योगदान है बधाई दी गई है। तो विक्रम साराभाई को लेकर भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।